वाज सरप्राइज। मैक्रॉन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं उनके चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉब यहां पे क्रिएट। भाई ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा इट विल ट्रांसफर इनटू इंडिया। यहां आवाम बिचारी आटा नहीं खरीद पा रही, बुनियादी जरूरियात के लिए खटखटाते फिर रही दरवाजे। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से बात हो रही है कि भारत बड़ी बड़ी महाशक्तियों के साथ इतनी बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला एक मुल्क है जिसकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली हमें मोदी गवर्नमेंट के बाद बहुत ज़्यादा पता चली है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, जो भारत ने एक प्रकार से बताया है दुनिया को कि हमारी मार्केट की दुनिया को ज़रूरत है, जिस वजह से आप देख सकते हो US हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, भारत के साथ सारे लोग अच्छे से अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और इन फ्यूचर भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो हुआ है, जिसके पर सब बात करें इस वक्त 100 बिलियन डॉलर से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो है और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडन, उन्होंने बकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहां पे पहुंची हैं? देखें, उसका मैं बताना चाहता हूं आगे उसका आपने एक और चीज जो मैं एक तो चले मैंने उसकी पूरी स्टोरी उसके बारे में पढ़ी और आई वाज सरप्राइज। मैक्रॉन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं उनके चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉब यहां पे क्रिएट। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं दो चीजें बताना चाहता, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा इट विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज भी वहीं बनेंगे। और मोदी साहब ने कल एक स्टेटमेंट में कहा है कि वी आर गेटिंग इनटू द रेस ऑफ सेलिंग आर्मामेंट्स टू द वर्ल्ड, $5 बिलियन a year। आपका नेबर कहां जा रहा है? शायद शर्म आ जाए किसी को, शायद शर्म आ जाए। और मैं ये कहता हूं, मैं हर चीज से एग्री नहीं करता, बिल्कुल मैं मोदी जी की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप खुद कुछ करने की सलाहियत ना रखते हो, किसी अच्छी चीज को कॉपी कर लेना भी आपकी तरक्की का बायस बनता है। इंडिया इज नाउ बिकमिंग द किंग मेकर इन द इंटरनेशनल अरेना, नॉट द किंग बट द किंग मेकर। सो फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया रशिया को अबैंडन करके पूरी तरह से अमेरिका के साथ अलाइन हो जाता है, तो द बैलेंस ऑफ पावर विल कंप्लीटली शिफ्ट इन द फेवर ऑफ द US एंड द वेस्ट। या अगर इंडिया अमेरिका को पुश बैक करके रशिया चाइना के साथ जो नेक्सस बन सकता है पोटेंशियली, अगर उसको ज्वाइन कर लेता, तो मेरे ख्याल से द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत कमजोर हो जाएगा। बट इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाइन विद ईदर साइड। मुझे लगता है इंडिया इज गोइंग टू ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेटिव वे विदाउट वो पुराने नॉन अलाइन मूवमेंट के अलावा। मुझे कुछ ये जो मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है एज अपोज टू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, उसको इंडिया will try to push as long as it can,
और उसमें ही इंडिया का मफाद है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नाउ, लेकिन जो रशिया के साथ डिपेंडेंसीज हैं उसको भी मेंटेन करे, चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है उसको भी मेंटेन करे। अमेरिका के लिए अलबत्ता इंडिया इज वेरी क्रिटिकल, अगर इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन नहीं करता तो ये डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन वाली थीसिस फेल हो जाएगी। सो दे नीड द इंडिया टू बी इन द वेस्ट, इन द वेस्टर्न कैंप, मतलब सब्सटेंटिवली भी नहीं है इंडिया, लेकिन नाम के लिए भी अगर इंडिया इनके साथ है तो दे विल बी हैप्पी, बिकॉज देन दे कैन से डेमोक्रेसीज आर अलाइंड अगेंस्ट रशिया एंड चाइना विच आर अथॉरिटेरियन। इंडिया माइट वेरी सून बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मार्केट बहुत ज्यादा है, दे वॉन्ट टू टेक अवे सम ऑफ द बिजनेस दैट चाइना हैज, दे ऑल्सो वॉन्ट टू मूव चाइना को से जो सप्लाई चेन जो रीएडजस्ट कर रहे हैं, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे वॉन्ट इंडिया टू बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो दो तीन जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहे हैं उसमें इंडिया की अहमियत इज गोइंग अप अप अप, एंड The US wants to be with India. जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई जिसमें कि यह कहा गया कि शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन दैट विल हेल्प क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बोथ कंट्रीज, तो ये जो बाइडन और मोदी जी का ज्वाइंट स्टेटमेंट है इस मामले में, यह मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात। ऑनलाइन ब्रीफिंग थी जिसको अटेंड करा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह अनाउंसमेंट थोड़े कुछ घंटे बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करी, तो यह बहुत बड़ी बात है। देखिए यह गेम चेंजर है। ऋषि सुनक ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ऋषि सुनक ने बोला है कि एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब्स बूस्ट यूके एक्सपोर्ट्स। द एयर इंडिया एयरबस डील फॉर 250 एयरक्राफ्ट वाज वेलकम्ड ऑन ट्यूसडे बाय यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, हू सेड द कॉन्ट्रैक्ट विल क्रिएट न्यू हाईली स्किल्ड जॉब्स इन ब्रिटेन एंड हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट्स। Under the deal, Air India is set to procure 40 A-30 wide-body aircraft and 210 A-20 narrow-body aircraft. और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका IMF is under Indian influence. उनका इस वक्त Washington DC is a baby child for them, for भारत, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी चाइना की दुश्मनी उनके हाथों में बेची है और उन्होंने उनको बाबर करा दिया है वॉशिंगटन डीसी के, वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना, तो वो उनकी हर बात सुनते हैं। और IMF जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग IMF को अमेरिका देता है, इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लॉबी से लेते हैं, तो वो आपसे क्यों आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो डिग्रियां लेके तो यहाँ आए नहीं, ज्यादातर लोग तो यहाँ पे जो आते हैं वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, एक अनस्किल्ड लेबर की शक्ल में आते हैं, और वो यहाँ मीरा टंडन को वो कम्पीट करेंगे यहाँ पे आके वो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी भारत के साथ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और मोदी जी की एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक डील हुई है, जिसमें आप समझ सकते हो एयर स्पेस विमान फ्रांस के साथ भी अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात हुई थी, उसी बारे में चर्चा है। अब भारत को इन फ्यूचर, आपको पता है एयर स्पेस विमान और हमें बहुत सारे मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठा रहे हैं। और भारत में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद पहले जो थे उसके जस्ट डबल हो गए हैं, तो ये आप समझें कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्लेन्स की संख्या बढ़ेगी, जिस वजह से हमें फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये सब चीज़ें सोच कर ऑब्वियसली प्लानिंग करनी होगी, उसी की ये प्लानिंग हो रही है। अब पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हो, पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान की जो टीवी में हालत दिखाई जा रही है उतनी ख़राब तो नहीं है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही है, पाकिस्तान में भुखमरी भी है, बट पाकिस्तान की हालत ख़राब है। पाकिस्तानी अनऑफिशियल तौर पर एक डिफ़ॉल्ट की कगार पर है, उससे होना कुछ नहीं है। श्रीलंका भी डिफ़ॉल्ट की कगार पर था, श्रीलंका के लोग मर तो गए नहीं, श्रीलंका है अभी भी, श्रीलंका के टुकड़े टुकड़े तो हो नहीं गए, बट पाकिस्तान एक अलग सिचुएशन है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, तो ये अपने आप में ही एक अजीब सा, आप समझ सकते हो, कांड होगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। श्रीलंका का
देखें तो कोई पड़ोसी नहीं है, श्रीलंका एक आइलैंड, मतलब आप देखें तो भारत ही उसका एक पड़ोसी है जो सबसे करीब है, बाकी तो पड़ोसी उसके दूर है। पाकिस्तान के पड़ोसी, भारत से ज़्यादा खतरनाक पड़ोसी पाकिस्तान का अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर भारत है, और चाइना के साथ तो एक आर्टिफिशियल बॉर्डर है। तो दोस्तों क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें।